हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज कर रहे हैं हम क्लास 11 एंटरप्रेन्योरशिप। चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्रेक इवन एनालिसिस एंड टैक्सेस। सो गाइस, सबसे पहले मीनिंग जानते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब क्या होता है। इट हेल्प्स बिजनेस टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स दैट नीड टू बी सोल्ड सो दैट कंपनी इज एबल टू कवर ऑल इट्स कॉस्ट। सो ये हमारे बिजनेस को कैसे हेल्प करता है, ये पता लगाने में हेल्प करता है कि कितने प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हमें बेचने चाहिए ताकि जो हमारी कंपनी है वो सारी कॉस्ट को कवर कर पाए। यानी कितना हमें सेल्स करना चाहिए कि हमारे खर्चे जो हैं वो सारे पूरे हो जाएं, हमारे पास इतने पैसे आ जाएं अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के बाद। आगे बढ़ते हैं ब्रेक इवन पॉइंट पे। ब्रेक इवन पॉइंट क्या चीज़ है? इट इज़ द पॉइंट एट विच द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द इंटरप्राइज इक्वल्स अ टोटल रेवेन्यू जनरेटेड। सो ब्रेक इवन पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ हमारे कंपनी के जितने भी खर्चे हैं वो सारे बराबर हो जाते हैं जितना हमारी कमाई हुई है। जैसे 100,000 रुपये खर्च किया है तो 100,000 रुपये की कमाई हो गई है, दोनों ही बराबर हैं। देखो देखा ना, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंसेस, दोनों आपस में इक्वल है, तो हम बोलेंगे वो ब्रेक इवन पॉइंट है। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ द पॉइंट एट विच द कंपनी नीदर मेक्स अ प्रॉफिट नोर सफर्स अ लॉस। सो एक और भाषा में अगर कहा जाए, आसान भाषा में, सो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? जहाँ कंपनी को ना ही प्रॉफिट होता है ना ही लॉस। क्यों? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे खर्चे बराबर होते हैं कमाई के। जैसे 100,000 रुपये खर्चे कॉस्ट आई और 100,000 रुपये की कमाई होगी, तो दोनों बराबर हो गए, तो इस केस में ना प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ। ऐसा वीडियो ख़त्म।